और गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स, जितने भी लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेशन में हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। जैसा मैम ने बताया, मेरा नाम कुमार आर्यदेव है और मैं मोदी केयर में काम करता हूँ। मोदी केयर कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसके बहुत सारे सेगमेंट भी हैं। उसमें एक सेगमेंट एग्रीकल्चर का है, और शायद आपको पता होगा कि ये सेगमेंट इतना पावरफुल है कि अगर इस पर काम किया जाए तो सिर्फ इन प्रोडक्ट के बदौलत हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, लाखों किसान के घर में खुशहाली ला सकते हैं और हम भी अपनी इनकम अच्छी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मोदी केयर में, जिन प्रोडक्ट के जरिए हम अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जो मोदी केयर में जो प्रोडक्ट है आज के डेट में एग्रीकल्चर रेंज के, उसके बारे में बताने के लिए करीब आपको 45 मिनट के समय लगेंगे, लेकिन उसमें आपको मैं बहुत ही अच्छे से उन सारी चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, और आप देखेंगे कि इन प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है और उसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो बिना डिले किए हुए मैं एक प्रेजेंटेशन शो करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। इस प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद मैं कुछ वीडियोज भी आपको दिखाऊंगा जिससे प्रोडक्ट के डेमोज आपको नजर आएंगे, जिससे आप देख सकेंगे कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छे से काम करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एग्रीकल्चर रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या, आधी से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उनसे उनका जीवन चल रहा है। तो सोचिए कितने सारे लोग इस पर डिपेंडेंट हैं, और कुछ प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पर है वहां पर कैसे काम कर सकते हैं ये देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये कॉमन चीजें देखते हैं कि भारतीय एग्रीकल्चर में इसकी जरूरत है या नहीं, भारतीय कृषि में इसकी जरूरत है कि नहीं। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय एक किसान करीब 15 लोगों का पेट भरता था, आज करीब 250 लोगों का पेट भरता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि एग्रीकल्चर लैंड, जो हमारी जमीन थी, वो बहुत छोटी हो चुकी है। बहुत सारे शहर बन चुके हैं, बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं, बहुत सारे लोग ने कह सकते हैं खेतों का बंटवारा हो चुका है, जिसके वजह से हमारा एग्रीकल्चर लैंड छोटा होता जा रहा है, और एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, खाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, उपज होने वाली जमीन छोटी होती जा रही है। किसान को समझ में नहीं आ रहा है करे क्या, वो क्या करे कि उपज ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और उनकी उपज के साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ नहीं पा रही है। इस प्रेशर को झेलने के लिए बहुत सारे लोग इस काम को अब छोड़ रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। जो किसान होते हैं उनके बच्चे अब किसानी करना नहीं चाहते हैं, वो काम छोड़कर दूसरे शहरों में किसी फैक्ट्री में काम करना पसंद करते हैं, ना कि खेती करना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या एग्रीकल्चर में आ रही है, और हम जानते हैं कि ये हमारा भारत का एक प्रमुख पेशा है। तो उन लोगों को कैसे हम अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएं, अधिक से अधिक उनकी इनकम बढ़ाएं, उसमें मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं, इन प्रोडक्ट के बारे में मैं बताने की अभी कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो हमारे ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सारे प्रोडक्ट R&D प्रोडक्ट के बारे में मैं बताने की अभी कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो हमारे ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सारे प्रोडक्ट R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, मार्केट लीडर्स के द्वारा इसको वेरीफाइड किए गए हैं, और एग्रीकल्चर के बहुत सारे नीड्स को ये पूरे करते हैं, ये बहुत सारे कामों में आते हैं, उसका वर्सेटाइल यूज है, बहुत सारा वर्सेटाइल यूज है। कुछ कॉमन बातें मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। जैसे अगर मैं बात करूं कि इन प्रोडक्ट का कहाँ यूज हो सकता है, तो यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि खरीफ फसल और रबी फसल, तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसको खरीफ और रबी में ही यूज करना है और बाकी समयों में यूज नहीं करना है। इन प्रोडक्ट को आप सालों भर यूज कर सकते हैं, चाहे वो खरीफ हो, चाहे रबी हो, या कोई और भी मौसम हो जब आपके फसल खेत में लगे हो। तो ये दिमाग से हटा देने वाली बात है कि किस फसल पर यूज करना है, किस फसल पर यूज नहीं करना है। सारे फसलों पर आप इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, सालों भर यूज कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट का सीजन सालों भर है, 12 महीने है, और सारे प्रोडक्ट पर आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि किन किन मिट्टियों पर इसका यूज हो सकता है, किन किन शहरों राज्यों में इसका यूज हो सकता है, तो देश के कोने कोने में इस प्रोडक्ट का यूज हो सकता है, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, चाहे वो हमारा गुजरात हो, चाहे वो हमारा आंध्र प्रदेश, हमारा अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं भी आप इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं।
तो कुछ कॉमन बातें हैं जो यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो मैंने बताया। पहला, प्रोडक्ट को सालों भर यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप सालों भर यूज कर सकते हैं। दूसरा कि प्रोडक्ट को सारे फसलों पर यूज कर सकते हैं। और तीसरा, प्रोडक्ट को पूरे भारत देश में आप यूज कर सकते हैं। ये कॉमन चीजें हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जो हमारे प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है एक्टिविटी। एक्टिविटी हमारा प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और इसका जो बेसिक काम है देखिए क्या है। इट इज अ यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। ये प्रोडक्ट जो है एक नॉन आयोनिक है, स्प्रे करने वाला है और कॉन्सेंट्रेटेड रूप में है। मतलब इसको आप पानी में मिला के यूज कर सकते हैं। जब आप इसको मिलाकर पानी में या किसी भी चीज में यूज करेंगे तो ये करेगा क्या, सवाल उठता है। तो ये काम करेगा एज एक्टिवेटर, वीटर एंड स्प्रेडर का। मतलब ये है कि जिस चीज में आप इसको मिलाते हैं तो उस चीज के गुणों को बढ़ाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा गीला करता है और ज्यादा से ज्यादा फैलाता है, वहां पर ऐसे काम करता है। मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को जब भी आप यूज करेंगे तो किसी चीज में मिला के यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा पेस्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, पानी हो, व्हाटएवर, लेकिन किसी चीज के साथ मिला के यूज करना है। और जिसके साथ आप मिलाएंगे उसका काम बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि पावरफुल, यानी कि पावर बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। अब एग्जांपल लेकर देते हैं कि कहां कहां इसे मिलाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया पेस्टिसाइड हो, फोलियर फर्टिलाइजर हो, डिफोलिएटर्स हो, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो, इन सारे जगहों पर आप इस प्रोडक्ट को मिला के यूज कर सकते हैं। और इसको अगर यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वीड्स कंट्रोल कर सकते हैं, और जो पौधे में जो बीमारियां होती हैं बीमारियों को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ये ऐसा क्या करता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छे से पौधों पर असर दिखाता है। तो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा एक पत्ता है, ये एक लीफ है, इस लीफ पर पानी की कुछ बूंदे हैं। तो जनरली क्या होता है, किसान पानी में कीटनाशक या जितनी चीजों के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बताया था उसको पानी में मिलाते हैं और खेत में ले जाकर छिड़कते हैं, पौधे पर छिड़कते हैं। पानी में एक गुण होता है जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन, सतही तनाव। इसके वजह से पानी बूंदे बनकर रहती है, बूंद बनती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बूंदे बनी हुई है। आप नल से भी देखेंगे जब पानी गिरती है तो बूंदों के रूप में गिरती है, आसमान से भी जब बरसात होती है तो बूंदों के रूप में होती है, ओस की भी बूंदे होती है, ये सारी चीजें बूंदों के रूप में होती है क्योंकि पानी का ये नेचर है, एंड दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब क्या है, किसान ने पानी लिया, उसमें कीटनाशक मिलाया और पत्ते पर छिड़क दिया, जो जनरली वो करते हैं। अब ये कीटनाशक जो है ये पानी के साथ यहाँ पर पड़ा रहेगा, यहाँ पर जो कीड़े रहेंगे वो तो मर जाएंगे, यहाँ जो कीड़े रहेंगे वो तो मर जाएंगे, यहाँ जो कीड़े रहेंगे वो तो मर जाएंगे, यहाँ वाले कीड़े मर जाएंगे, लेकिन जहां पर पानी नहीं है वहां पर कीड़े नहीं मरेंगे। तो किसानों को एक समस्या क्या हो जाती है कि वो कीटनाशक बार बार छिड़कते हैं क्योंकि एक बार में सारे कीड़े मरते ही नहीं है, वो बचे रह जाते हैं क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन गोल बना देता है उसे और वो एरिया कम कवर करता है। ये समस्या किसानों के साथ अभी से नहीं, सदियों से है। वैसे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए वो किसान ने क्या किया कि अब पानी और कीटनाशक के साथ एक्टिविटी मिला दिया। देखिए पहले की पोजीशन ये थी, बिना एक्टिविटी के ये पोजीशन थी, जिस समय कि आप देख रहे हैं यहाँ पानी की बूंदे, यहाँ पानी की बूंदे, ये सब पानी की बूंदे हैं, यहाँ पर कीड़े मरेंगे लेकिन कहीं कहीं पानी नहीं है तो यहाँ पर कीड़े नहीं मरेंगे। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि जब हवा चलेगी तो वैसी स्थिति में पानी की बूंदे नीचे गिर जाएगी, कीटनाशक भी नीचे आ जाएगा, तो पत्ते पर कम प्रॉब्लम होगा, पत्ते पर हमारा प्रोडक्ट कम रहेगा जिसके वजह से कीड़े बच जाएंगे, कीड़े मरेंगे नहीं। अब उस किसान ने क्या कर दिया, इसी पानी और कीटनाशक में मिला दिया एक्टिविटी। अब देखिए ये क्या हो गया, जो मैंने तीन चीजें बताई थी आपको यहाँ देखिए नजर आ रहा है कि पहला चीज तो ये है कि इसने पानी को फैला दिया, एज ए स्प्रेडर का काम किया। यहाँ पर के पानी की पोजीशन और यहाँ की पानी की पोजीशन देखिए, पानी की तरह फैल चुका है। अब ये पत्ता ज्यादा गीला हो गया है, पेनिट्रेट ज्यादा हो रहा है, अंदर की ओर ज्यादा जाएगा, एवोपरेट कम करेगा, वाष्प बनकर कम उड़ेगा, और साथ ही साथ ये पत्ता ज्यादा से ज्यादा गीला भी हो चुका है। तो जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई थी वो तीन चार काम ये करेगा, और ये हमारा कीटनाशक पत्ते के साथ सट कर रहेगा, सट जाएगा, स्टिक करेगा। अब ये बताइए, यहां तो कीड़े बच रहे थे, यहां बचने का कोई सवाल है? ये किसी भी स्थिति में कीड़े बच नहीं सकते,
कीड़े मरेंगे ही मरेंगे। फायदा कहां नजर आएगा किसान को? फायदा नजर आएगा कि जो बार बार वो कीटनाशक छिड़कता था वो बार बार उसे छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद जब किसान वापस आएगा कीटनाशक छिड़कने के लिए तो देखेगा कि कीड़े हैं ही नहीं, कीटनाशक छिड़कने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसी स्थिति में वो वापस चला जाएगा। तो उस समय का कीटनाशक, उस समय का मेहनत, उस समय का पैसा, वो सारा कुछ उसका बचेगा। तो जिस खेत में हम 5 बार कीटनाशक यूज करते थे वहां 3 बार में मेरा काम चल जा रहा है, जिस खेत में हम 5 बार सिंचाई करते थे वहां मेरा 3 बार में काम चल जा रहा है। तो ये फायदा मुझे नजर आता है अगर हम एक्टिविटी का यूज करते हैं तो। अब सवाल ये उठता है कि इससे फायदा किसान और कैसे कैसे ले सकते हैं या इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्टिविटी में 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, पावरफुल चीजें मिली हुई हैं, नॉन आयोनिक इन नेचर है, यानी इसका कोई पार्टिकल चार्ज नहीं होता है, किसी भी चीज के साथ आप मिला के इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। वीटर एक्टिवेटर एंड स्प्रेडर के रूप में काम करता है, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो पत्ते जिस पर पानी ठहरते नहीं है, ऐसे तने जो वैक्सी होते हैं मोम के जैसे होते हैं उस पर पानी ठहरते नहीं है, हेयरी होते हैं उस पर पानी ठहरते नहीं है, वहां पर भी पानी और कीटनाशक या जिसमें आपने इसको मिलाया है वो अच्छे से जाकर स्टिक करते हैं, सट जाते हैं, तो वो अपना पूरा परफॉर्मेंस देते हैं, पूरा काम वो करता है प्रोडक्ट। उसके अलावा इसे मिलाना बहुत आसान है, कंपेटेबल है, नॉन कोरोसिव है, मतलब ये है कि ये जनरली आप देखेंगे कीटनाशक को जब किसान खरीदते हैं और पानी के साथ जब मिलाते हैं तो जो स्प्रेयर होता है 15 लीटर का करीब स्प्रेयर होता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो दोनों को मिलाकर एक डंडे के मदद से उसे घुमाते हैं ताकि वो अच्छे से मिल जाए, क्योंकि वो जो हमारा कीटनाशक होता है वो या तो ऑयल बेस्ड होता है या पाउडर बेस्ड होता है, तो जनरली वो घुल नहीं पाता है पूरी तरह से। तो जो स्प्रे होता है वो स्प्रे भी अनइवन होता है, एक जैसा नहीं होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और बहुत कुछ हमारे स्प्रेयर के अंदर सट के रह जाता है। अगर आप उसमें एक्टिविटी मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो अच्छी तरह से कीटनाशक को पानी में घुला देगा, एक बराबर छिड़काव होगा, और जो नोजल होता है जहां से प्रोडक्ट निकलता है, छिड़काव होता है, वहां पर भी आप देखेंगे कि कभी भी जंग लगने की संभावना नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छे से वहां पर काम करता है हमारा प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है इसे यूज कैसे करेंगे, इसके फायदे क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इसे इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर और प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ यूज कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों को ले लें जिनकी आपको जरूरत है और उसे पानी के साथ मिला दें। 15 लीटर का घोल जब तैयार हो जाएगा तो उसमें 5 ml एक्टिविटी डाल दें। अगर आप हर्बिसाइड के साथ यूज कर रहे हैं तो आप 15 लीटर का घोल बना लें हर्बिसाइड और पानी का और उसमें 20 ml हमारा एक्टिविटी डाल दें। और अगर इरिगेशन के बारे में बात करें, सिंचाई के बारे में बात करें, तो एक एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर आपके पास एक एकड़ जमीन है तो करीब 80 लीटर पानी में उसे छिड़का जा सकता है, उस पर छिड़का जा सकता है 80 लीटर पानी। तो 80 लीटर पानी में 160 ml आप एक्टिविटी को मिलाकर 1 एकड़ जमीन में आप उसे छिड़क देंगे, और उसके थोड़ी देर के बाद आप टुल्लू पंप से जो पंपिंग सेट आता है उससे आप वहां पर पानी दे देंगे, सिंचाई कर देंगे, पटवन कर देंगे। आप देखेंगे वो सारा बीटर, स्प्रेडर और वो एक्टिवेटर के रूप में वो काम करेगा और वहां बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खेत में नमी बनी रहेगी। तो ये आपका 1 एकड़ के हिसाब से ये बताया गया है। मोर और लेस अगर इसका रेशियो देखिए तो रेशियो भी क्लियर है। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, आधा एकड़ है, या फिर आपको अंदाज नहीं है कि कितनी जमीन है, तो अंदाज लगा लें कितना लीटर पानी लगने वाला है। अगर आपको लगता है 50 लीटर पानी लगने वाला है तो 100 ml का यूज करें, लगता है 60 लीटर पानी लगने वाला है तो 120 ml हमारा प्रोडक्ट का यूज करें और उसके बाद खेत में उसे छिड़क दें और पटवन कर दें। दोस्तों, अगर आप इसे यूज करते हैं तो जो फायदा मैंने बताया कि बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीड़े अच्छे से मरेंगे, पौधे में कीड़े अगर नहीं लगेंगे तो फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, फसल की क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी अच्छी होगी, ये सारा कुछ नजर आएगा हमारे किसान भाई को। तो ये बहुत अच्छे से प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो, और इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं दोस्तों। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कुछ वीडियोस हैं जिसमें आपको और क्लैरिटी में इसको बताया जाएगा कि कैसे यूज करना है। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से कि जब आप इस प्रोडक्ट को किसी किसान को बताते हैं तो ये डेमो कर भी दिखाएं,
ये डेमो अगर आप करेंगे तो वो जरूर ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि देखी हुई चीज ज्यादा समझ में आती है। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कैसे हमारा प्रोडक्ट यूज करता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है और कैसे एक्टिविटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारे जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं, वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिविटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिविटी मिक्स किया है और इकट्ठे इन 2 गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदे नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिविटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन 2 गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में, जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में, और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है, जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा। कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और 1 स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा, इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदे दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है,
वो दवाई पूरे पत्ते फल सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव एटी। जब हम एक्टिव एटी को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदे बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव एटी मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिविटी मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। You can see the difference. यहां पे अभी भी बूंदे बनी हुई हैं, जहां पे हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिविटी का छिड़काव किया है कोई बूंदे नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिविटी मिला देगा तो पूरा पत्ता फल सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते फल सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिविटी चुटकियों में हर पाउडर बेस और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के दो ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेलकम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेलकम पाउडर डालेंगे पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिविटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिविटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेलकम पाउडर डालते हैं, जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिविटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिविटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से पूरे तरीके से घुल चुका है, लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारा ये प्रोडक्ट एक्टिविटी कैसे काम करता है और इसके क्या क्या खासियतें हैं। ये डेमोज आप जरूर अपने किसान भाइयों के सामने करें, अपने कस्टमर के सामने करें, क्योंकि ये डेमो जब आप करेंगे तो देखने वाला व्यक्ति 100% प्रभावित होकर रहेगा। वो जरूर इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहेगा और आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेगा।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है इसी कड़ी में, और उसका नाम भी बहुत कुछ मिलता जुलता है एक्टिविटी से, और वो है एक्टिविटी गोल्ड। ये प्रोडक्ट भी हमारा बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा एग्रीकल्चर रेंज का, और आप इसे भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति एक्टिविटी यूज कर रहे हैं वो एक्टिविटी गोल्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, या एक्टिविटी गोल्ड का जो यूज कर रहे हैं वो एक्टिविटी का यूज नहीं कर सकते। आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। चाहे आप एक किसान हो, चाहे आपके घर में पेड़ पौधे लगे हों, आम का पेड़ लगा हो, किसी भी फल का पेड़ लगा हो, घर में घास अच्छी लगी हो, या फिर घर में आपने सब्जियां वगैरह लगाई हो, आप घरों में भी फूलों पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो एक्टिविटी हो या एक्टिविटी गोल्ड हो। अब ये जानना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों में समानता क्या है। नाम भी बहुत कुछ मिलता जुलता है सिवाय गोल्ड के। अब ये प्रोडक्ट भी हमारा ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, जो आपने एक्टिविटी में देखा था। ये भी नॉन आयोनिक है, स्प्रे है, एडजुवेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड रूप में है, और एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारा। किस चीज के लिए? इरिगेशन में यूज करने के लिए, सिंचाई में, मिट्टी में नमी रहे ज्यादा से ज्यादा देर तक, इसमें ये हमारी मदद करता है। ये भी एक्टिवेटर के रूप में काम करता है, वीटर के रूप में काम करता है, और एक्टिवेटर के रूप में काम करता है, स्प्रेडर के रूप में काम करता है, माफ कीजिएगा। तो ये तीन गुण हम लोगों ने एक्टिविटी में भी देखा था, लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं वो वेजिटेबल बेस्ड है। इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो वेजिटेबल बेस्ड है, और वो वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, और क्रॉप पर पूरी तरह से सेफ है। अंतर बस यही पर है, एक सिंपल अंतर है, बस वही अंतर है सर्फेक्टेंट का है। इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड है, और वहां पर वो नहीं है। अब ये भी प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छे से काम करता है, 80% इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, एक्टिवेटर है, वीटर है, स्प्रेडर है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अगर हमारा पत्ता या हमारे पौधे के जड़ आपको वैक्सी है, या फिर आप समझिए हेरी है, जिस पर कि कुछ पानी ठिकता नहीं है, ठहरता नहीं है, वहां पर भी जाके वो अच्छे से सटेगा, और ये हमारे वातावरण को भी नुकसान या पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही साथ यूनिफॉर्म मिक्सिंग में ये बहुत अच्छे से मदद करेगा, चाहे वो ऑयल बेस्ड हमारा कोई प्रोडक्ट हो या फिर हमारा पाउडर बेस्ड हो। फिर जो नोजल होता है जो कि कभी जाम नहीं होता है, दैट इज ड्यू टू हमारा एक्टिविटी गोल्ड। अब कौन से व्यक्ति इसको यूज करेंगे, कौन से व्यक्ति हमारा एक्टिविटी यूज करेंगे? मैंने आपको शुरू में बताया कि आप दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं जिस जो आपको ठीक लगे, लेकिन जनरली इन प्रोडक्ट का यूज होता है जिसके अंदर नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है। जनरली इसका लोग यूज करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में, विदेशों में जो अपने फसलों को बेचते हैं, सब्जियों को बेचते हैं, वहां पर इसका कुछ ज्यादा डिमांड हो जाता है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है हमारा एक्टिविटी गोल्ड, तो इसको वहां यूज कर सकते हैं। देश के अंदर भी अगर आप चाह रहे हैं कि हम वेजिटेबल बेस्ड हम सर्फेक्टेंट का यूज करके प्रोडक्ट बेचें, तो उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं और क्वालिटी तो अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी आप इस चीज को कर सकते हैं, अपने घरों में भी सब्जियों में इसको यूज करके इसका फायदा ले सकते हैं। नाउ कहाँ कहाँ इसे यूज किया जा सकता है? तो जैसा मैंने आपको एक्टिविटी में बताया था वैसे ही एक्टिविटी गोल्ड में है। आप इसे भी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, प्लांट न्यूट्रिएंट, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, इन सारी चीजों के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसे यूज करेंगे पानी के साथ मिलाकर, तो बार बार आपको इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या हर्बिसाइड या जितनी भी चीजें लिखी हैं, बार बार इसको यूज करने की जरूरत नहीं होगी। कहां कहां यूज कर सकते हैं? तो मैंने शुरू में बता दिया था कि सारे प्रोडक्ट पर इसका यूज हो सकता है, सारे फसलों पर इसका यूज हो सकता है। वो यहाँ भी लिखा है कि अगर क्रॉप की बात करें तो कुछ कॉटन हो, पैडी हो, वीट हो, मेज हो, शुगर केन हो, जो भी हो एटसेट्रा, सारे क्रॉप्स पर इसको यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो सारे तरह के फलों पर इसको यूज कर सकते हैं। अदर्स में अगर गार्डन्स में यूज कर रहे हैं, गोल्फ कोर्सेज में यूज कर रहे हैं, नर्सरीज में यूज कर रहे हैं, घर के प्लांट पर यूज कर रहे हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो सब्जियों पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो सारे जगहों पर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है
तो इसे भी यूज करने की जो जो तरीके हैं वो तरीके सेम है एक्टिविटी की तरह। अगर आप इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर के साथ इसे मिला रहे हैं तो 15 लीटर का जब ये घोल तैयार हो जाए तो उसमें 5 ml हमारा एक्टिविटी घोल डाल दीजिए। हर्बिसाइड के साथ अगर यूज कर रहे हैं तो पानी और हर्बिसाइड जब 15 लीटर का तैयार हो जाए तो 20 ml उसमें एक्टिविटी घोल डाल दें। और अगर इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, पटवन में इसको यूज कर रहे हैं, तो अगर 1 एकड़ जमीन आपके पास है तो लगभग 80 लीटर पानी लगता है उसमें, तो उसमें 160 ml हमारे प्रोडक्ट को मिलाकर छिड़क दें और उसके बाद उसमें पटवन कर दें। तो ये कॉमन चीजें हैं, मैंने इसका तरीका सारा बता दिया है आपको एक्टिविटी के एक्सप्लेनेशन में। साथ ही साथ ध्यान देने की जरूरत है कि पहली बार अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें, खेत के कोने में से यूज कर लें और उसके बाद पूरे खेत में उसके बाद यूज करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर हाथों में सड़ जाता है, आंखों में लग जाता है, तो अच्छे पानी से धो ले, काफी पानी से धो ले, और प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर ले। तो ये बहुत अच्छे से हमारे लिए काम करने वाला प्रोडक्ट है। ये दो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया जो हमारे बहुत फायदेमंद है और इसका भी डेमो वैसे ही होता है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव जाइन। दोस्तों ये एक सी वीड एक्सट्रैक्ट है और ये प्लांट और क्रॉप पर इसको यूज किया जाता है। ये प्रोडक्ट क्या है, अभी तक की जो दो प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था वो दो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है जिसको किसी चीज में मिलाकर यूज करना है, जिसको किसी चीज में मिला के यूज करना है और जिस चीज में आप इसे मिला के यूज करेंगे उस चीज का गुण बढ़ा देगा। लेकिन हमारा एक्टिविटी गोल और एक्टिविटी जाइन के एक्टिविटी जाइन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी जाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसको किसी चीज के साथ नहीं भी मिलाते हैं तब भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। जिस तरह से हम विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, इंसान स्वस्थ रहे, उसी तरह से ये पौधों के लिए विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, ये देने का काम करता है। तो पेड़ पौधे भी एक तरह के इंसान होते हैं, समझिए कि ये पौधों का न्यूट्रिशनल एक प्रोडक्ट है जो पौधों को पोषण देने का काम करता है। इसका जो आधार है जिससे ये प्रोडक्ट को बनाया है वो एक सीवीड है, मेराइन एल्गी है, जो कि बहुत ही अच्छा ये कह सकते हैं कि और ये स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस है। किस चीज का स्टोर हाउस है, न्यूट्रिशन का स्टोर हाउस है प्लांट के लिए। इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन मिले हुए हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि पावर हाउस है न्यूट्रिशन का ये। और पौधों पर जब यूज करते हैं तो पौधे को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है इस प्रोडक्ट से। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर इस प्रोडक्ट को आप एक्टिविटी के साथ यूज करें या एक्टिविटी गोल्ड के साथ यूज करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। मान के चलिए आपने कीटनाशक का यूज किया, कीटनाशक के साथ पानी मिलाया, एक्टिविटी मिलाया और हमारा एक्टिव जाइम भी मिला दिया, तो एक्टिव जाइम भी जाकर पत्तों पर स्टिक करेगा और ज्यादा देर तक रहेगा, तो एक्टिव जाइम का भी फायदा पौधों को ज्यादा मिलेगा, तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है एक्टिव जाइम, ये बहुत ही अच्छे से काम में आता है जब बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन करना होता है, क्रॉप पैटर्न को जब चेंज कर रहे हैं वहां पर भी इसका बहुत यूज हो जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी इसको यूज किया जा सकता है और हमारे ये सॉइल कंडीशन को इम्प्रूव करता है। लाइक जैसे एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ कि जब पराली वगैरह जलाया जाता है, चाहे वो हमारा धान का हो चाहे वो गेहूं का हो, तो लोग खेत में ही जलाते हैं और जलाने के बाद पौधे में जो जीवाश्म होते हैं वो मर जाते हैं, उसकी जो उर्वरता होती है घट जाती है। वापस उसे पाने के लिए ये एक्टिव जाइम बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों इसके अंदर जो जो चीजें मिली हुई हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये चीजें क्या होती है। जिस तरह से हम मिनरल्स खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं, तो मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं, विटामिन्स बहुत तरह के होते हैं, वही सारी चीजें यहाँ भी पौधों को मिलती है। इसका पहला चीज है साइटोकिनिन, ये जो चीज इसके अंदर मिलता है ये सेल डिविजन में बहुत अच्छा काम करता है, जड़ों को ग्रोथ करता है, जड़ जड़ अच्छे से बढ़ते हैं और साथ ही साथ पौधों में जो प्रोटीन्स होते हैं उन सारे चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है। ऑक्सिन मिला हुआ है, ऑक्सिन क्या करता है, अगर मैं ऑक्सिन के बारे में बात करूं तो ये सेल एलोंगेशन में बहुत अच्छे से काम करता है, एलोंगेशन में बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब कि सेल को बढ़ाने में बहुत अच्छे से मदद करता है, एजिंग को डिले करता है, ये सारा चीज करता है। रेगुलर यूज करते हैं तो पौधों का ग्रोथ अच्छा होता है। जिब्रेलियंस की अगर मैं बात करूं तो सेल डिवीजन पर काम करता है, जड़ों को बड़ा बनाने में मदद करता है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन में बहुत मदद करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत मदद करते हैं, सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं,
बिटेन्स की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन को ये कम करता है, जो हमारे लिए भी ऑक्सीडेशन खराब होता है, पौधों के लिए भी खराब होता है, वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ को अच्छा करने में, हेल्थ को ठीक करने में यह मदद करता है, और साथ ही साथ हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि पौधों को पोषण देने का काम करता है। ये बेसिक कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं जो हमें वहां से मैराइन अलगी से मिलती है। ये आप फोटो देख रहे हैं उसका, ये ऑर्गेनिक है, नेचर में 60 से ज्यादा मिनरल्स और एलिमेंट्स उसके अंदर, 21 तरह का अमाइनो एसिड है, बहुत सारे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट इसके अंदर मिले हुए हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये प्रोडक्ट पौधों में पोषण देने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। सिर्फ पानी में मिलाकर आप इसे छिड़क देंगे तो ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने का काम करता है पौधों को, पौधों को एक्टिवेट करता है, उसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये बहुत अच्छे से वहां पर काम करता है और सारे फसलों पर इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स हो, पल्सेस हो, वेजिटेबल्स हो, प्लांटेशन हो, हॉर्टिकल्चर्स में, ऑयल सीड्स में, सब जगहों पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और इन सब चीजों के साथ जब आप यूज करेंगे तो उपज अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी अच्छी होगी, खर्चा कम लगेगा, जो किसान का खर्चा होता है वो घट जाएगा, मेहनत घट जाएगा, ये सारा चीज हमें नजर आता है अगर हम इन चीजों का यूज करते हैं। कैसे यूज करना है, 1 लीटर में 1 ml मिलाना है और इसको पौधों पर, खेतों में छिड़क देना है, पौधों पर छिड़क देना है, पत्तों पर छिड़क देना है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। यूज करने के पहले बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिए, सुबह और शाम में इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कूल आवर्स में, ठंडे में करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कॉशंस में कुछ चीजों का ध्यान देना है, हाईली अल्कलाइन नेचर वाले प्रोडक्ट के साथ इसको यूज न करें, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजों के साथ यूज न करें जो कि हमारे फसल के लिए खराब है, क्योंकि ये उसकी भी ताकत को बढ़ाने का काम करता है। बॉटल को टाइटली क्लोज करें, बच्चों से दूर रखें, और पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए एक पैच टेस्ट कर लें खेत में और उसके बाद पूरे खेत में यूज करें। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा बहुत अच्छा है। और आज का जो अंतिम प्रोडक्ट है वह है हमारा जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में काम आता है, दैट इज एक्टिव मैक्स। ये प्रोडक्ट हमारा बहुत काम का है और जो खेतों में जो समस्याएं आती है, खास करके 4 तरह की समस्याएं आती है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहाँ पर, न्यूट्रिएंट डिमांड सही नहीं पाता है, जिस समय जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पौधे को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल नहीं पाता है, रिप्रोडक्टिव एज में उसे ज्यादा चाहिए, 500% तक ज्यादा चाहिए लेकिन वो मिल नहीं पाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि पौधे मजबूत बन ही नहीं पाते हैं। फिर जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट है, पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं हो रहा है, उसकी मोबिलिटी सही नहीं हो रही, उसकी वजह से भी उपज पर असर पड़ती है। जिस मिट्टी में हमने पौधे को लगाया है वो मिट्टी ही अच्छी नहीं है, वहां से पोषण पौधे को नहीं मिल पा रही है, ये भी एक समस्या रहती है। और साथ ही साथ फ्लड, ड्रॉट, सूखा, बाढ़ या आंधी तूफान, पाला गिरना, इन सबों के वजह से भी हमारे पौधों पर, हमारे फसलों पर, हमारे पैदावार पर असर पड़ता है। तो इन सारे चीजों से लड़ने के काम में आता है हमारा एक्टिव मैक्स या एक्टिव जाइन। इसके अंदर आईनेट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके अंदर 4 चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं और देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। पहला, रॉ मटेरियल। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लिए गए हैं वही है जो एक्टिव जाइन में लिए गए। आयरलैंड में जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वहां से इसे निकाला गया है, और वो पौधे जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो पावर हाउस है, न्यूट्रिशन के पावर हाउस है, उसको इसमें यूज किया गया है, सी बीट्स को यूज किया गया है। सी बीट्स के बहुत सारे फायदे हैं, हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है लास्ट प्रोडक्ट में, देखा है हम लोगों ने इसका क्या फायदा है। उसके अलावा सी बीट्स के एडवांटेजेस के बारे में हम लोगों ने देखा है कि क्या एडवांटेजेस है, वो सारा चीज हम लोगों ने एक्टिव जाइन में देखा है। उसके अलावा इसे बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा इसका फायदा है वो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया के रस डाले गए हैं जो कि हमारे पौधों के साथ साथ मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, जो इसके अंदर चीजें डाली गई हैं वो बायो एक्टिव है, नेचुरल है, हमारे पौधे उसको अच्छे से पहचान पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, कंपाउंड बहुत स्टेबल है, लॉन्ग लाइफ शेल है, 5 साल तक प्रोडक्ट चलता है, बायो लेवल न्यूट्रेंट है, प्लांट न्यूट्रेंट एक्सपर्ट ने इसे तैयार किया है।
तो ये बेसिकली अगर आईनेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें हम, तो ये प्रोडक्ट हमारे प्लांट ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ प्लांट में शुगर अमाइनो एसिड के यूजेस को बढ़ाता है, मिट्टी में मैक्रोल फ्लोरा को बढ़ाता है, मिट्टी में जो हमारे व्हाइट रूट होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है, पौधे में जो व्हाइट रूट होते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी से वो ज्यादा से ज्यादा पोषण लेता है, और ज्यादा पोषण लेने से हमारे रूट अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, पत्ते बड़े बड़े होते हैं, हरे हरे होते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस अच्छे से होती है, और अल्टीमेट रिजल्ट आता है कि उपज अच्छी होती है। तो ये इसका फायदा है। प्रोडक्ट में चार चीजें मिली हुई है, जो ओशनिक प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया वो 60% है, हाइड्रोलाइज प्रोटीन अमाइनो एसिड करीब 25% है, ह्यूमिक एसिड करीब 10% है, और पॉलीसेक्राइड करीब 5% है। ये प्रोडक्ट हमारे बहुत फायदे का है, और अल्टीमेटली ये करता क्या है, क्लोरोफिल जो इसके अंदर मिला हुआ है वो हमारे पौधों को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बनाता है, पौधों को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाता है, स्ट्रेस रिलीफ, जैसा कि मैंने बताया ड्रॉट आना, फ्लड आना, या फिर पाला गिरना, इसमें बाकी फसलों पर, दूसरे फसलों पर जितना असर पड़ेगा हमारे फसलों पर उतना असर नहीं पड़ेगा, इम्यून सिस्टम अच्छे हो जाएंगे, कीड़े वगैरह कम लगेंगे, फंगस वगैरह कम लगेंगे, बैक्टीरिया वगैरह कम लगेंगे, ताकतवर हो जाएंगे पौधे, माइक्रोबीज बहुत ज्यादा पौधे में बनेंगे, मिट्टी में बहुत ज्यादा बनेंगे, मिट्टी अच्छी होती जाएगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली हमारा पौधा और हमारी मिट्टी दोनों अच्छे होंगे। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। अगर मैं बात करूं कि कैसे इसको यूज करना है या क्या इसके फायदे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, वाइट रूट को बढ़ाता है, क्रॉप स्ट्रेस अगर आ रहा है तो उस पर काम करता है, खराब नहीं होने देता है जल्दी, अच्छे फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट बड़े बड़े होते हैं, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होती है, हमारा उपज ज्यादा होता है और मिट्टी भी अच्छी होती है। अब सवाल ये उठता है इसे कैसे यूज करना है, तो यूज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी की ओर से कुछ एडवाइजरी भी आई है, आपने उसको देखा होगा, एक्टिव जाइम के बारे में और एक्टिव मैक्स के बारे में, उसे आप दिमाग में रखेंगे। तो ये सीड ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जब आप जड़ को लगाते हैं या बीज को जब लगाते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है कि इस प्रोडक्ट को 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स को 1 लीटर पानी में डालना है, जड़ को उसमें डालकर यानी बीज को उसमें डालकर छोड़ देना है 10 से 15 मिनट, और उस बीज को फिर पानी में लगा देना है। आप वैसे बीजों पर यह काम करेंगे जो बीज पानी में डालने पर खराब ना हो, जनरली दलहन वगैरह के बीजों को इस पर यूज नहीं करते हैं, वहां पर सीड कोटिंग करते हैं, ऐसे बीज जो कि पानी में डालने पर खराब हो जाए, वहां पर आपको क्या करना है, एक पॉली बैग में ले लेना है बीज को, 2 से 3 ml हमारा प्रोडक्ट डालना है मैक्स, 2 से 3 ml पानी डालना है, अच्छे से उसको हिला देना है, उसमें उसकी कोटिंग कर देनी है और उसको लगा देना है। रूट डिपिंग की अगर मैं बात करूं, अगर जड़ से आप लगा रहे हैं पौधे को, तो 2 से 3% का सॉल्यूशन बनाइए, रूट को उस पर 4 से 5 मिनट छोड़ दीजिए और फिर रूट को लगा दीजिए। पौधे अगर बड़े हो गए हैं तो वैसी स्थिति में स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है। वेजिटेटिव स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में है, या फ्लावर नहीं आया है, तो आप 1 लीटर में 1 ml मिला के यूज कर सकते हैं, पौधे पर पत्ते पर छिड़क सकते हैं। फ्रूट्स आने की जब समय होती है तो 1 लीटर में 2 ml मिलाकर आप फ्रूट्स पर छिड़क सकते हैं। तो ये अगर आप ऐसे करते हैं तो देखते हैं उपज बहुत अच्छी होती है, पौधे बहुत मजबूत होते हैं, पौधों में बहुत ज्यादा फायदा नजर आता है। ये सारा चीज आपको नजर आएगा अगर आप एक्टिव मैक्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो चीजें मैंने आपको बताई, आप देख रहे हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है, ब्लैकिश ब्राउन कलर का है, थोड़ा गाढ़ा जैसा लिक्विड है, वाटर में सोलेबल है, नॉन टॉक्सिक नेचर है, 5 साल इसका लाइफ है इसका, और बच्चों से दूर रखिए, गर्म जगहों पर नहीं रखिए, ज्यादा ठंडे जगहों पर नहीं रखिए, रूम टेम्परेचर में रखिए, नॉब को अच्छे से बंद करके रखिए और इसका फायदा देखिए। दोस्तों तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इन प्रोडक्ट का यूज करते हैं, हमारे एक्टिव मैक्स या एक्टिव जाइम का, अगर आप उसमें एक्टिव एटी या एक्टिविटी गोल्ड मिलाते हैं तो उसका काम और भी बढ़ जाता है। इन दो प्रोडक्ट में और जो हमारे दो लास्ट में जो प्रोडक्ट मैंने बताया एक्टिव जाइम और एक्टिव गोल्ड में, इतने एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स में इतने फायदे हैं कि अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, उसका डेमो दिखाना सीख लेते हैं, तो फिर किसानों की जिंदगी को आप ठीक करने में बहुत मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ क्लोज करता हूँ एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर।
आपने बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो है हमें दी है, और जो आपने वीडियोस हमें दिखाए उससे हम और भी अच्छी तरह से इसको समझ पाए हैं, और जो हमारे चारों प्रोडक्ट्स आपने